हाय गाइज, मैं हूं महेश। आप देख रहे हैं सिस्टेक बना और फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, आज हमारे पास है मीवी ड्यूपोड F40। बजट सेगमेंट में आने वाले एक TWS ईयरफोन से आज इंडिया के अंदर लॉन्च हुए। ऑफर में इनका प्राइस पॉइंट रखा गया है 999। आगे चलकर जो प्राइस पॉइंट है वो 1200 रुपये के करीब हो जाएगा। अब ऐसे के अंदर कितना दमदार प्रोडक्ट है, चलिए चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद में इसका एक डिटेल रिव्यू करेंगे। और हाँ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा यूनिट भी है जिसका मैं यहाँ पर गिव अवे करने वाला हूँ, तो वीडियो के अंदर लास्ट तक बने रहना। अच्छा, तो जो बॉक्स पैकेजिंग है वो एज यूजुअल है। जहाँ ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले मिलता है एक वारंटी कार्ड, वेलकम लेटर, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एक टाइप सी चार्जिंग केबल और सबसे लास्ट में मेन डिवाइस। सो अगर मैं बात करूँ मेन डिवाइस के बिल्ड क्वालिटी की, तो गाइस देखो, जो चार्जिंग केस है वो आपको कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड में देखने को मिलता है, बट जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है। कोबल शेप में आपको देखने को मिलता है, कॉम्पैक्ट साइज है और मैट फिनिशिंग के साथ में है, तो ये चीज़ काफ़ी सही है। मतलब 1200 रुपये के अंदर आप जो क्वालिटी एक्सपेक्ट करते हो उससे काफ़ी बेटर क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ फ्रंट में मीवी की ब्रांडिंग है, नीचे की तरफ LED नोटिफिकेशन है और सबसे नीचे आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है। केस को अगर आप ओपन करोगे तो ईयरबड्स का जो अलाइनमेंट है वो आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब ईयरबड्स के ऊपर भी लगे आते एक नज़र डाल लेते हैं। सो ईयरबड जो है ग्लोसी फिनिश के साथ है, देखने में तो भाई बहुत ही प्रीमियम लग रहे हैं और काफ़ी लाइट वेट भी है। अब एक चीज़ डिवाइस के साथ में बहुत ही बढ़िया है कि यहाँ पर आपको कॉर्ड माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब सिंगल ईयरबड्स में आपको 2 माइक देखने को मिलते हैं। अब कॉल क्वालिटी कैसी देखने को मिलती है उसके बारे में आगे बात करेंगे, फिलहाल के लिए इसके कंफर्ट और फिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिटिंग के मामले में तो जो डिवाइस है ना, एक नंबर डिवाइस है, क्योंकि फिटिंग आपको इनके साथ में बहुत ही सही देखने को मिलती है। 45 डिग्री टिल्टेड है, एर्गोनोमिक डिज़ाइन के साथ में आते हैं, काफ़ी अच्छे से आपके कानों में फिट हो जाते हैं। और जब आप इनको कानों में वेयर करोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने कानों में कोई ईयरबड्स पहन रखे हैं, तो ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है। और एक चीज़ और अच्छी है कि कुछ लोगों को जो है बिना ईयर टिप्स वाले ईयरबड्स काफ़ी पसंद आते हैं, तो उनके लिए ये जो ईयरबड्स है काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो रनिंग के टाइम, वॉक के टाइम या फिर जिमिंग के टाइम आप इनको बहुत ही आराम से वेयर कर सकते हो। अब इसके बाद में इसके कुछ की फीचर्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद इसके माइक क्वालिटी और साउंड क्वालिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये जो डिवाइस है ब्लूटूथ 5.1 को सपोर्ट करते हैं। कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, सिंपली आपको कैप को ओपन करना है। जैसे आप ओपन करोगे पेयरिंग मोड के अंदर ये चले जाते हैं और बहुत ही आसानी से आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको IPX4 रेटिंग भी देखने को मिलती है, तो पानी वगैरह में या फिर हल्के फुल्के स्वेट वगैरह के अंदर आपको भीगने करने का कोई भी टेंशन नहीं है। अब गाइस, इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ टच कंट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे म्यूजिक को प्ले करना, पॉज करना, ट्रैक को चेंज करना, कॉल को डिस्कनेक्ट करना, अटेंड करना। इसके अलावा वॉइस असिस्टेंट को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप इन ईयरबड्स के थ्रू बहुत ही आसानी से कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहा है। अब इन सब के बाद में बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी की। तो गाइस देखो, साउंड के मामले में ये जो डिवाइस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। 13mm के इलेक्ट्रोडायनेमिक ड्राइवर आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करते हैं। लाउडनेस अच्छी खासी है, अगर आप 100% वॉल्यूम पर भी सुनोगे तो आपको किसी भी तरह का डिस्टॉर्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बात करूँ अगर ट्रेबल और बेस की, तो एकदम पंची टाइप का बेस आपको देखने को मिलता है, ट्रेबल्स भी काफी क्लियर आपको सुनाई देती है, हाई एंड लोस को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया गया है। स्पेशली जो बेस है वो मुझे काफी सही लगा। तो आप 1000 रुपए के प्राइस बजट पर अगर आप ऐसे TWS देख रहे हैं जहां पर आपको साउंड क्वालिटी थोड़ा बेटर देखने को मिले, तो डेफिनेटली ये आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। बाकी अगर बात करूं गेमिंग की, तो हाँ, गेमिंग के टाइम भी आप इनको यूज कर सकते हो, क्योंकि मीवी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको लो लेटेंसी देखने को मिलती है। अब लो लेटेंसी कितने MS की देखने को मिलती है ये चीज तो मुझे नहीं पता, बाकी हाँ, जितना अभी तक मैंने इनको गेमिंग के टाइम यूज करके देखा है जो परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी सही लगा। वैसे मैंने आप लोगों के लिए गेमिंग टेस्ट भी करके रखा है, एक बार आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब म्यूजिक के बाद में और गेमिंग के बाद में बात करें अगर कॉल क्वालिटी की, तो यहाँ पर आपको कॉर्ड माइक का सपोर्ट देखने को मिलता है। मतलब ईच ईयरबड्स में आपको 2 माइक देखने को मिलते हैं। अब माइक क्वालिटी कैसी सुनने को मिलती है, तो अभी आप जो बात सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं ईयरबड्स के माइक के थ्रू। कॉलिंग के टाइम आपको इस तरह के आउटपुट सुनने को मिलेंगे। मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू कॉल रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करके रखा है, तो उसके हैंड से आपको इस तरह का आउटपुट सुनने को मिलता है। अब इन सब के बाद में बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। तो गाइस देखो, बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर बहुत ही तगड़ा देखने को मिलता है। अभी तक जितना मैंने इनको यूज किया है, 5 से 6 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो आपको इन ईयरबड्स के साथ में सिंगल चार्ज में देखने को मिल जाएगा। और मीवी यहाँ पर क्लेम करता है कि केस के साथ में आपको 50 Hz का जो बैटरी बैकअप है वो देखने को मिलेगा अगर आप 70% वॉल्यूम के ऊपर इनको यूज करते हैं। बाकी जो बैटरी बैकअप होता है वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है कि कितने वॉल्यूम लेवल के ऊपर आप पर्टिकुलर डिवाइस को यूज करते हैं। सो डिवाइस काफी इंटरेस्टिंग
इंटरेस्टिंग है। अब प्राइस पॉइंट की भी बात कर लेते हैं, तो अभी इंट्रोडक्टिव प्राइस पॉइंट पर इसका जो प्राइस है वो है 999 रुपए। फ्लिपकार्ट और मीवी की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आप इसको बाय कर सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लेना। अभी फाइनल कंक्लूजन की अगर बात करें तो गाइस देखो, 1000 रुपए के आसपास अगर आपको एक ऐसे अच्छे TWS लेने का सोच रहे हैं जहां पर आपको म्यूजिक क्वालिटी काफी तगड़ी देखने को मिले, बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा देखने को मिले, साथ ही साथ एक प्रीमियम डिजाइन वाला जो TWS है वो आप लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मीवी की तरफ से आने वाले ईयरबड्स के साथ में जा सकते हो। और एक और सबसे बड़ी बात कि ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं कंप्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होते हैं, डिजाइन से लेकर कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग तक आपको इंडिया में देखने को मिलती है, तो काफी प्राउड वाला फील हो जाता है। अब लगे आते यहाँ पर गिव अवे की भी बात कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पर जो मेरे पास ये एक्स्ट्रा यूनिट है, आप में से कोई एक इसे जीत सकता है। अगर आप इस वीडियो पर 500 लाइक का टारगेट पूरा कर दे, तो सिर्फ 500 लाइक का टारगेट है, जल्दी से पूरा कर दो। जैसे आप टारगेट पूरा करते हो आप में से कोई एक इस डिवाइस को जीत सकता है। बाकी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी जाकर देख लेना। फिलहाल के लिए मीवी डुओपोड्स F40 को लेकर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन दी नेक्स्ट वीडियो।